अब दुनिया में सिर्फ दो नॉर्दर्न व्हाइट गैंडे बचे हैं, नाजिन और फाटू। दोनों मादा हैं। इनके मरते ही ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिक इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए स्पर्म, अंडाणु और फिर उनसे बने भ्रूण ने दुनिया भर का चक्कर लगाया है। हमने काफी वक्त से इसका इंतजार किया है। हमारी मेहनत के नतीजे सामने आ रहे हैं और इससे प्रजातियों को फायदा हो सकता है। सुजाने हॉल से एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। यह टीम नॉर्दर्न व्हाइट गैंडो को बचाने के लिए उनकी करीबी प्रजाति सदर्न व्हाइट गैंडो की मदद ले रही है और इससे काफी उम्मीदें बढ़ी हैं। हमने गैंडो में पहली बार एक भ्रूण को सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया। ये हमारे लिए नया और बहुत बड़ा कदम है। दुर्भाग्य से गैंडे का यह बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा, लेकिन उसकी बात बाद में। आज धरती पर नॉर्दर्न व्हाइट गैंडा प्रजाति की ये दो मादा ही बची है, इसलिए इनकी 24 घंटे सुरक्षा की जाती है। नॉर्दर्न व्हाइट गैंडे कभी मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे, लेकिन शिकार और गृह युद्ध का इन पर बहुत बुरा असर हुआ। अब यह प्रजाति जंगलों से गायब हो गई है और इससे वहाँ की इकोलॉजी को नुकसान पहुँचा है। विलुप्त होने से पहले उत्तरी सफेद गैंडे मध्य अफ्रीका की एक मुख्य प्रजाति थे। ये छोटी घास वाले इलाके बनाते थे जहां दूसरे जानवर चर सके, क्योंकि कई प्रजातियों को लंबी घास वाले इलाकों में खाना खोजने में मुश्किल होती है। साथ ही इससे जंगल में आग लगने की आशंका भी कम होती थी। इकोसिस्टम बहुत जटिल होते हैं। जब वहाँ से कोई जानवर या प्रजाति गायब हो जाती है, तभी पता चलता है कि सब आपस में कितने ज्यादा जुड़े हुए थे। जंगल से बाहर कुछ ही नॉर्दर्न व्हाइट गैंडे जिंदा रह पाए हैं। ऐसे चार गैंडे चेक रिपब्लिक के चिड़ियाघर में थे। इनमें दो मादा और दो नर थे। प्रजनन में इनकी मदद करने के लिए इन्हें 2009 में केन्या भेज दिया गया, लेकिन ये उम्मीदें टूट गई क्योंकि किसी बच्चे के जन्म होने से पहले ही दोनों नर गैंडों की मौत हो गई। अब दो मादा गैंडा ही इस प्रजाति की आखिरी उम्मीद हैं। लेकिन इनसे क्या हो सकता है? इसका जवाब बर्लिन के इन कंटेनरों में मौजूद है। यहाँ हमने उत्तरी सफेद गैंडों का सीमन सैंपल और भ्रूण स्टोर किया हुआ है। कुछ सैंपल हमने इटली भी भेजे हैं, ताकि अगर किसी एक जगह पर कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम दूसरी जगह के सैंपल सुरक्षित रहें। नॉर्दर्न व्हाइट गैंडों के 30 भ्रूण अभी फ्रीज करके रखे हुए हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने नर गैंडों की मौत से पहले उनका सीमन निकाल कर सुरक्षित रख लिया था। समय समय पर वे मादा गैंडों से भी एग सेल्स निकालते हैं, फिर इन एग्स को इटली की लैब में भेजा जाता है। वहां स्पर्म और एग का मिलन होता है, इससे एक भ्रूण बनता है जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। इस साल गर्मियों में नॉर्दर्न व्हाइट गैंडे के पहले भ्रूण को ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई है। अगर सब कुछ सही रहा तो 16 महीने बाद एक बच्चा जन्म लेगा और दोनों मादा गैंडों के साथ रहेगा, क्योंकि एक असल नॉर्दर्न व्हाइट गैंडा बनने के लिए बच्चे का अपने प्रजाति के समूह में रहना जरूरी है।